फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वेदिक गुरुज में। आज वेदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि मैट्रिक्स पॉलीनोमियल्स को कैसे सेटिस्फाई करता है और आप ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पॉलीनोमियल विदाउट यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए। तो लेट अस सी द 15th क्वेश्चन। देखिए, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, एक 3x3 मैट्रिक्स है। इसके लिए हमें ये शो करना है कि ये पॉलीनोमियल है ए क्यूब माइनस 6a² + 5a + 11i = 0। ये जो 0 है वो ये 0 मैट्रिक्स को डिनोट करता है कि हमारी जो मैट्रिक्स ए गिवन है वो इस पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करती है। और उसके बाद आपने इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का ए इनवर्स, तो ए इनवर्स भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसमें हमें सबसे पहले एक तो ए चाहिए, आई चाहिए। आई हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए, ए स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। ए स्क्वायर के लिए हम लिखते हैं ए मल्टीप्लाई ए। तो मैट्रिक्स ए देखिए, मैंने ए लिख लिया यहां पर और यहां पर भी ए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आपको आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, इसी तरह से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। हमने मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया क्योंकि आपको पहले सिखाया जा चुका है, तो आपने खुद कैलकुलेट करना है और वेरीफाई करना है कि यही आएगा। उसके बाद हमें ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। तो देखिए, मैट्रिक्स ए लिख लिया और इक्वेशन 1 में जो मैट्रिक्स ए स्क्वायर आया था हमने वो भी लिख लिया। इन दोनों को भी पहले की तरह मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, और मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे तो ए स्क्वायर ए क्यूब आ जाएगा। ये भी आपने खुद मल्टीप्लाई करना और वेरीफाई करना कि यही आना चाहिए। अब ये जो वैल्यूज आई हैं, ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी, हमें जो पॉलीनोमियल गिवन थी उसकी मैं लिख रहा हूं। देखिए, ए क्यूब माइनस 6a² + 5a + 11i, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ए क्यूब के प्लेस पे देखिए हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, यानी 8 - 23 = 32 - 7 - 27 - 13 - 1 - 69 - 58। -6 a² के प्लेस पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में थी 4 - 3 - 7 - 8 - 3 - 1 - 14 - 14 +5 मैट्रिक्स ए की वैल्यू जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - -3 - 3 और उसके बाद +11i। आई स्टैंड फॉर एंटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का लिखा जाता है जिस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स ए गिवन है स्टेटमेंट में, तो वो 3x3 था, तो हम 3x3 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 0 0 1 करके इस तरह से। अब इसको सॉल्व करें, देखिए एक स्टेप और लिखेंगे, क्या आएगा 8 - 23 = 32 - 7 - 27 - 13 - 1 - 69 - 58 - ये सारे एलिमेंट इस मैट्रिक्स के 6 से मल्टीप्लाई होंगे। देखिए 24 - 6 = 18 - 6 - 42 - 12 - 48 - 18 - 6 - 84 + 84 + अब 5 से मल्टीप्लाई होंगे, सारे एलिमेंट मैट्रिक्स ए के हैं, तो 5 - 5 - 10 - 5 - 5 - 15 + 15 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 11 से मल्टीप्लाई होंगे, तो बनेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब इन सबको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए, हमने LHS में पॉलीनोमियल में लिखी थी, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम सभी एलिमेंट्स को, प्लस माइनस जो भी करना वो कर रहे हैं। देखिए 8 - 24 + 5 + 11, दूसरा एलिमेंट -23 - -+18 + 5 + 0, थर्ड एलिमेंट 32 - 42 + 10 + 0। अब यहाँ देखेंगे दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स लिख रहे हैं 7 - 12 + 5 + 0, 27 - 48 + 10 + 11 और -13 - -+18 - 5 + 0 और लास्ट कॉलम 1 - 6 + 5 + 0 और ये आएगा -69 - -+84 - 15 + 0 और लास्ट एलिमेंट 58 - 84 + 15
प्लस 11, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे एलिमेंट जीरो के इक्वल आएंगे। इट प्रूव्स द राइट हैंड साइड दैट दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स, आप कैपिटल ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास पॉलीनोमियल गिवन थी ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस इलेवन आई इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स ओ, जीरो भी लिख सकते हैं इसको, तो हम इसकी हेल्प से अब ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये टर्म है प्लस इलेवन आई, ये उधर राइट हैंड पे चली जाएगी, हमने पिछले क्वेश्चन में भी करके दिखाया था आपको, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए इज इक्वल टू माइनस इलेवन आई। अभी जो मैट्रिक्स हैं दोनों साइड, हम इसको लिख सकते हैं प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ए इनवर्स प्री का मतलब होता है पहले, मतलब इससे पहले आपने ए इनवर्स लिखना है, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस सिक्स ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस फाइव ए इनवर्स इंटू ए, पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, एक ही बात है, माइनस ए इनवर्स आई, राइट। तो क्या होगा, देखिए बेस सेम है, पावर एड हो जाएंगी, यहां पर ए स्क्वायर बनेगा, यहां पर माइनस सिक्स ए प्लस फाइव आई, ए और ए इनवर्स आइडेंटी बन जाते हैं मैट्रिक्स, इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स आइडेंटी से मल्टीप्लाई करके कोई भी मैट्रिक्स सेम रहता है, माइनस इलेवन ए इनवर्स। तो ये जो माइनस इलेवन है यहां पर, अब ये इधर आके वन अपॉन इलेवन बन जाएगा, तो ए इनवर्स की वैल्यू बन जाएगी माइनस वन अपॉन इलेवन इंटू ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस फाइव आई, यानी इन मैट्रिसेस की जो हमने वैल्यूज ऊपर कैलकुलेट करी थी, ए स्क्वायर की सिक्स ए और फाइव ए पुट करनी है और जो भी आया उसको माइनस वन बाई इलेवन कर देंगे, तो हमारे पास ए इनवर्स निकल जाएगा। देखिए ए इनवर्स लिख रहे हैं, ए इनवर्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन इलेवन, और मैंने ब्रैकेट लगा ली है यहां पर एक बड़ी सी, ये वैल्यू जो है ए स्क्वायर की है, ये हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, माइनस सिक्स ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू है माइनस सिक्स ए, और ये प्लस फाइव आइडेंटिटी की वैल्यू है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, फोर माइनस सिक्स प्लस फाइव, फिर माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस जीरो, सेवन माइनस ट्वेल्व प्लस जीरो, सेकेंड कॉलम कर रहे हैं, देखिए टू माइनस सिक्स प्लस जीरो, एट माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव, माइनस थ्री प्लस सिक्स प्लस जीरो, और थर्ड कॉलम वन माइनस सिक्स प्लस जीरो, माइनस फोर्टीन प्लस एटीन प्लस जीरो, और फोर्टीन माइनस एटीन प्लस फाइव, राइट। इसको सॉल्व कर देंगे तो विल गेट द ए इनवर्स, यानी माइनस वन अपॉन इलेवन, देखिए फाइव प्लस फोर नाइन, माइनस सिक्स थ्री, माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन, सेवन माइनस ट्वेल्व माइनस फाइव, टू माइनस सिक्स माइनस फोर, एट प्लस फाइव थर्टीन माइनस ट्वेल्व वन, थ्री वन माइनस सिक्स माइनस फाइव फोर, फोर्टीन प्लस फाइव नाइनटीन माइनस एटीन वन, दिस इज कॉल्ड ए इनवर्स। सिक्सटीन क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम है फिफ्टीन की तरह, वही थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स गिवन है, वैल्यूज चेंज है, वैसे ही एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है जो हमें वेरीफाई करनी है, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, और उसके बाद ए इनवर्स निकालना है। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स भी फॉलो करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, वो ए मल्टीप्लाई ही होता है, हमने मैट्रिक्स से लिख लिया, ये मैट्रिक्स से लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन वन हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे, ए क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं, ए क्यूब के लिए हमने ए इंटू ए स्क्वायर लिखना है, ये मैट्रिक्स ए है, ए स्क्वायर हमने इक्वेशन वन में से वैल्यू देख के लिख दी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास इक्वेशन टू आएगी, इसको हमने ए क्यूब बोलना है। आपने एक्चुअली मल्टीप्लाई करके शो भी करना है और करके वेरीफाई भी करना है कि वन और टू की वैल्यूज ये ए स्क्वायर की है एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए और ये ए क्यूब की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमने ये वैल्यूज इक्वेशन जो हमें गिवन थी जो वेरीफाई करनी थी उसकी एलएचएस मैंने लिख ली है, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस नाइन ए माइनस फोर आई, इसमें पुट करनी है, देखिए ए क्यूब की वैल्यू लिख रहे हैं, ए क्यूब की वैल्यू इक्वेशन टू में आई थी ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू माइनस सिक्स ए स्क्वायर लिखना, यानी ए स्क्वायर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको सिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं ये इक्वेशन वन में हमारे पास ए स्क्वायर था, इसके सारे एलिमेंट्स को डायरेक्ट सिक्स से मल्टीप्लाई करके लिखना हूं, यहां पर थर्टी सिक्स माइनस थर्टी थर्टी माइनस थर्टी थर्टी सिक्स माइनस थर्टी थर्टी माइनस थर्टी थर्टी सिक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस नाइन ए बोला गया, नाइन ए का मतलब जो मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट थे उनको नाइन से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो वो डायरेक्ट लिखना, देखिए 18 माइनस नाइन नाइन माइनस नाइन 18 माइनस नाइन
9 माइनस 9 9 टू जा 18 और उसके बाद माइनस 4i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं 4 0 0 0 4 0 0 0 4 राइट इन सबको सॉल्व कर देते हैं एक बार देखिए तो एक्स्ट्रा 4 लिख रहे हैं एक्स्ट्रा एक बार सभी एलिमेंट्स लिखता हूं 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4 माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस 9 माइनस 0 21 माइनस 30 प्लस 9 माइनस 0 सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0 सॉरी माइनस 0 क्योंकि माइनस 4 आई था वहां पर उसके बाद 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4 फिर माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस 9 माइनस 0 और थर्ड कॉलम के 21 माइनस 30 प्लस 9 माइनस 0 माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस 9 माइनस 0 और लास्ट एलिमेंट 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4 राइट और इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 0 0 0 0 0 सारे एलिमेंट 0 होते हैं जिस मैट्रिक्स के उसको 0 मैट्रिक्स बोलते हैं ओ से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज अवर राइट हैंड साइड। देखिए हम इसका सेकंड पार्ट करना है जिसमें लिखा था फाइंड इनवर्स तो इसी पॉलीनोमियल की हेल्प से निकालेंगे ये जो लास्ट टर्म थी माइनस फोर आई उसको इधर भेज देंगे राइट साइड पे ये बनेगा ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस नाइन ए इज इक्वल टू माइनस फोर आई इधर जाके प्लस का फोर आई बन जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लाई पहले प्री लिखा था पोस्ट मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स यानी दोनों तरफ आपने ए इनवर्स पोस्ट का मतलब होता है बाद में पीछे यानी अब इसके पीछे आपने बाद में ए इनवर्स लिखना है माइनस सिक्स ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस नाइन ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू फोर आई इंटू ए इनवर्स तो ए क्यूब और ए रेज़ टू पावर माइनस वन देखिए बेस सेम है पावर एड हो जाएगी वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए ए और ए इनवर्स मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी बन जाता है इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मल्टीप्लाई करें सेम रहता है तो फोर ए इनवर्स ही रह जाएगा। अब ये वाला जो फोर है ये इधर आके अपॉन में बन जाएगा वन बाय फोर तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी अगर हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन आई राइट। अब देखिए हमने ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन वन में कैलकुलेट करी थी यहां लिखी हुई है मैंने वहीं से देख के लिख रहे हैं वन बाय फोर ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले ए स्क्वायर लिख देते हैं सिक्स माइनस फाइव फाइव माइनस फाइव सिक्स माइनस फाइव फाइव माइनस फाइव सिक्स माइनस सिक्स ए लिखना है यानी मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स को सिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा 12 माइनस सिक्स सिक्स माइनस सिक्स 12 माइनस सिक्स सिक्स माइनस सिक्स 12 और लास्ट में प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 9i तो 9 से मल्टीप्लाई होंगे 9 0 0 0 9 0 0 0 9 यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 9 बन जाएंगे सारे। इसको सॉल्व कर लेंगे आप देखिए क्या आएगा 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0 6 माइनस 12 प्लस 9 राइट। अब इसको सॉल्व कर देंगे आप 1 बाय 4 पहले से लिखा हुआ तो ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 1 बाय 4 इंटू ये बचेगा देखिए 9 प्लस 6 15 माइनस 12 3 1 माइनस 1 यहां से 1 9 प्लस 6 15 माइनस 12 3 1 यहां से माइनस 1 1 और 3 तो दिस इज कॉल्ड ए इनवर्स। देखा फ्रेंड्स आपने ये थे एक्सरसाइज 4.5 के डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जिनमें हमने आपको सिखाया कि कैसे एक मैट्रिक्स किसी भी एक पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करती है और उसी पॉलीनोमियल की हेल्प से हम उसका इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए दोनों क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम हैं तो प्रैक्टिस जरूर करनी है वीडियो को लाइक करना है और क्लास ट्वेल्थ के जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ शेयर जरूर करना है। वेदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं आपने खूब मन लगा के पढ़ना है और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जुड़े रहिए वेदिक गुरुज के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू।